आई एम शादाब खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एक्सप्लोर प्रयाग। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रयागराज के कुछ महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन से। जैसा कि आप देख रहे हैं यह प्रयागराज जंक्शन है जो कि 1859 में बनाया गया था और तब से यह अब तक चालू स्थिति में है। और जब यह बनाया गया था 1859 में तो रेल ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था और उसी के द्वारा इसका प्रयोग शुरू किया गया। आज यहाँ पर 12 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसे प्रयागराज के लोग पत्थर गिरजा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम ऑल सेंट कैथेड्रल है जो कि अंग्रेजों के द्वारा 13वीं सदी के बाद गोथिक शैली के अनुसार बनाया गया था। गोथिक रिवाइवल का यूज करते हुए इस बिल्डिंग को बनाया गया था और यह बिल्डिंग कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल के द्वारा डिज़ाइन की गई है जो कि 1871 में बनाई गई है, ठीक है, और यह 1887 में जाकर कंप्लीट हो गई थी। तब से लेकर के अब तक यह बिल्डिंग आज यहाँ प्रयागराज वासियों के लिए एवं प्रयागराज में आने वाले पर्यटकों के लिए घूमने की एक बहुत ही अच्छी जगह है। और इस जगह पर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के दिन और न्यू ईयर के दिन काफ़ी अच्छी सजावट की जाती है और घूमने आने वाले सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके वजह से यहाँ पे ऐसे मौक़ों को सेलिब्रेट करने के लिए शहर भर से काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। और ये अब हम बढ़ते हैं सिविल लाइंस की तरफ। सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहा पर और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये इंदिरा भवन के नाम से जानी जाती है। इस बिल्डिंग में मोबाइल शॉप, कंप्यूटर शॉप और रिपेयरिंग शॉप के कई सारे दुकानें हैं और अच्छी मार्केट है। आयकर विभाग का ऑफिस भी मौजूद है। और ये हम पहुंच गए हैं सिविल लाइंस बस स्टैंड। यहाँ से आपको कानपुर, बनारस और भी अन्य जगहों के लिए बस मिल जाएगी। और इसी के आगे अब हम चलते हैं हनुमान मंदिर। Thank you.
चुके हैं सिविल लाइन्स स्थित संकट मोचन मंदिर, जो कि हनुमान मंदिर सिविल लाइन्स के नाम से काफ़ी मशहूर है। और यहाँ पे बाहर से आने वाले पर्यटक जो कि प्रयागराज घूमने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और उन्हें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मंगलवार के दिन यहाँ पे सर्वाधिक भीड़ होती है, क्योंकि यह मंदिर प्रयागराज के सिविल लाइन्स में स्थित है। और प्रयागराज में ये जो सिविल लाइन्स है इसे अंग्रेज़ों के समय से ही बसाया गया है, तो यह मंदिर भी अप्रोक्सीमेटली कुछ उसी समय से यहाँ पे मौजूद है और अब तक इस मंदिर की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और इस मंदिर की शूटिंग बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ में की जा चुकी है, जैसा कि आपने अगर देखा होगा तो आपको ध्यान भी हो। और इस मंदिर को ब्रह्मचर्य आश्रम से रिलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनि रहते थे पहले के समय में, तो यहाँ पे वो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को व्यतीत करते थे और अपने शिष्यों को उसके बारे में बताते थे। ये चलते हैं अब हम इलाहाबाद की यान बान शान संगम की तरफ, जो कि इलाहाबाद में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और जब यहाँ पे कुंभ मेला लगता है जिसे महाकुंभ और अर्ध महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश के कोने कोने से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं संगम। और हम पहुंच चुके हैं संगम, तो आइए संगम पर स्थित सभी मंदिर और घाटों को आपसे अवगत कराते हैं। और ये आप जो सबसे पहले बिल्डिंग देख रहे हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका नाम श्री आदिशंकर विमान मंडपम है। यह मंदिर श्री आदिशंकर विमान मंडपम के नाम से मशहूर है, जो कि काफ़ी अच्छी कलाकृतियों द्वारा सजाई गई है। और यह मंदिर पर्यटकों के लिए भी एक घूमने की बहुत अच्छी जगह है और यह संगम में सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं इसके आगे। संगम स्थित हनुमान मंदिर पर, जो कि लेटे हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर इलाहाबाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लेटे हनुमान जी की प्रति जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है, कहा जाता है कि यह प्रति कहीं पर भी मौजूद नहीं है, इसीलिए इस मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता और पहचान है। और ये जो आप दुकानें देख रहे हैं
ये श्रृंगार और पूजा के सामान की दुकानें हैं जो कि यहाँ पर हमेशा ही मौजूद रहती हैं। अब हम पहुँच चुके हैं संगम के घाट पर। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे आप नौका सैर का भी आनंद उठा सकते हैं। आप नाव के ज़रिए संगम के उस स्थान पे जा सकते हैं जहाँ पे गंगा और सरस्वती नदी मिलती हैं, और वहाँ पर जाके आप अगर देखना चाहें तो यह साफ साफ देख सकते हैं कि संगम होने के बाद भी गंगा और सरस्वती का रंग अलग अलग आसानी से दिखाई देता है। यहाँ पर हर पर्व पर और हर मौके पर लोग आके स्नान करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज के इस संगम को गंगा जमुना और सरस्वती नदियों का संगम कहा जाता है, परंतु काफ़ी समय से यहाँ पर सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि सरस्वती नदी का अर्थ यहाँ पर यहाँ के पुराने वैदिक काल के द्रोणाचार्य भरद्वाज आश्रम से माना जाता है, क्योंकि भरद्वाज के उस आश्रम में जब दुनिया भर से लगभग हज़ार शिष्य यहाँ पे आकर वेद का ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए भी यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। जब आप नौका सैर करते हुए संगम के बीचों बीच पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको गंगा और जमुना सरस्वती का मिलन दिखाई देगा, जो कि आप साफ साफ अलग अलग रंगों में देख सकते हैं। पहुंच चुके हैं पातालपुरी मंदिर, जो कि इलाहाबाद के किले के पिछले हिस्से में मौजूद है, और इस मंदिर में मौजूद अक्षयवट कहा जाता है कि यह अक्षयवट यहां पर सतयुग काल से मौजूद है, और यहां इस अक्षयवट के नीचे विष्णु भगवान ने अपने अवतार को लिया था, इसलिए यह अक्षयवट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के अनुसार। और चूँकि यह मंदिर इलाहाबाद किले के अंदर है और अब इलाहाबाद किला भारत के थल सेना के कब्ज़े में है, इसलिए मंदिर का ही इलाका आपको खुला देखने को मिलेगा। इलाहाबाद का यह किला 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था। जब अकबर ने इलाहाबाद को हिंदुस्तान की राजधानी बनाया था, तभी इस किले का निर्माण भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए बनाया था।
और इस किले का जिक्र अबू फजल लेखक ने अपने अकबरनामे में भी किया है। यह किला हिंदुस्तान की पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज स्थित श्री नाग वासुकी मंदिर, जो कि गंगा के किनारे स्थित है। यह मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। इनकी गणना प्रयाग के प्रमुख देवों में की जाती है। पुराणों के अनुसार देव एवं असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में मथनी बने मंदरचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में नागराज वासुकी ने अपने को प्रयुक्त हेनु होने हेतु समर्पित किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान को पृथ्वी पर नाग हृदय तीर्थ कहा गया है। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर जी के दर्शन से पापों का नाश होता है तथा काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मंदिर के बाहरी हिस्से को मरीन ड्राइव के रूप में बनाने की काफ़ी कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी का किनारा है तो यहाँ पर आकर आपको मरीन ड्राइव जैसी फीलिंग भी आ सकती है। जब यहाँ पे गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो यह जगह वाकई में मरीन ड्राइव की तरह दिखने लगती है और यहाँ के लोग आकर यहाँ पे काफ़ी अपना समय बिताते हैं और पर्यटक भी यहाँ पे काफ़ी आनंद उठाते हैं। Thank you.
चुके हैं संगम इस किनारे स्थित सरस्वती पार्क, जिसको सरस्वती घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रयागराज स्थित कई सारे घाटों में से एक है। और यह प्रयागराज बोर्ड कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा ही बनाया गया है। और यहाँ पर कई सारे अवसर पर, जैसे कि क्रिसमस डे, न्यू ईयर और भी अन्य खुशी के मौक़ों पर पर्यटकों की भीड़ मौजूद होती है, और वह सभी मिलकर यहाँ पर उस दिन को अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। यह प्रयागराज में पिकनिक स्पॉट के रूप में भी काफ़ी मशहूर है, और कभी कभी लोग यहाँ पे फिशिंग करने के मूड से भी आते हैं, और यहाँ पे नाव का संचालन भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज के नए यमुना ब्रिज पर, जो कि सन 2000 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, और सन 2004 के अंत तक इसका निर्माण पूरा हो गया था। इस पुल की डिज़ाइन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा की गई है, और इन्हीं कंपनियों के द्वारा इस पुल का निर्माण भी किया गया है। यह पुल एक केबल धारित पुल है। इस पुल की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 250 मीटर है। यह पुल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि प्रयागराज के दक्षिण में स्थित नैनी शहर को आपस में प्रयागराज से जोड़ा जा सके। यह 4 लेन पैदल यात्री और साइकिल और व्हीकल पुल है, जिसका इस्तेमाल 2400 घंटे किया जाता है। और यह पुल यूपी के 15 सबसे अच्छे और ऊंचे पुलों में आता है। आइए आपको हम प्रयागराज स्थित बोट क्लब दिखाते हैं। जो कि नए यमुना ब्रिज से कुछ दूरी पर ही है। यहाँ पर आकर आप स्टीमर और बोट का मज़ा स्वयं ले सकते हैं, और यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको नाव और स्टीमर का उपयोग करने दिया जाता है, जो कि पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है।
फ्रेंड्स, यह घाट या जगह बोट क्लब के दाईं तरफ ही मौजूद है, जहां से आप गंगा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। क्योंकि यहां पे दाईं तरफ प्रयागराज स्थित नैनी का ओल्ड ब्रिज मौजूद है और बाईं तरफ प्रयागराज में स्थित नया नैनी का नया ब्रिज है, इसी वजह से यह जगह बहुत ही आकर्षक लगती है। फ्रेंड्स, ये है प्रयागराज का पुराना नैनी ब्रिज, जो कि यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। यह पुल अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, जो कि सन 1860 से पहले से बनना शुरू हुआ था और सन 1865 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। क्योंकि यह पुल इतना पुराना है, फिर भी आज तक यह प्रयोग में आता है। और यह पुल डबल डेकल पुल है, यानी कि यह यहाँ पर ऊपर की तरफ रेलवे लाइन और नीचे की तरफ सड़क यातायात का प्रयोग किया जाता है। ऊपर का लेन जो कि रेलवे लेन है, यह 1860 से ही यूज़ किया जाता है, जबकि निचला डेक 1927 से सफलतापूर्वक सड़क मार्ग सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है। और आज भी यह पुल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन चूँकि यह इतना पुराना हो चुका है तो इसके कुछ हिस्से जर्जर हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत सरकार के द्वारा समय समय पर कराई जाती है। इस पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है और यह पुल भी प्रयागराज के पड़ोसी शहर नैनी को जोड़ने के लिए बनाया गया था। अब हम पहुंच गए हैं अरेल घाट पर, जो कि संगम किनारे स्थित घाटों में से बहुत ही मशहूर घाट है। प्रयागराज के इस अरेल घाट से आप झूंसी का पुल दाईं तरफ और इलाहाबाद किला बाईं तरफ आसानी से देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो मुख्य स्थान संगम का है, वो भी यहाँ से अच्छी तरह आसानी से देखने को मिलता है। और क्योंकि अरेल घाट एक खुली जगह पे है, इसलिए यहाँ का दृश्य काफ़ी ब्रॉड और खुला हुआ लगता है। और इस जगह से देखने पर आपको गंगा और यमुना दोनों नदी आसानी से दिखती है और यह पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। स्मारक की तरफ, जो अभी भी निर्माणाधीन है, यानी कि यह अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है और यह अभी भी बन रहा है, लेकिन फिर भी यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि इस मंदिर की बनावट बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है, इसलिए
पर्यटक इस मंदिर के अधूरे होने पर भी यहाँ पे घूमने के लिए और पिक्स वगैरह लेने के लिए आते रहते हैं। और यह हरे भरे क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह मंदिर काफ़ी आकर्षक लगता है। इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण और विष्णु भगवान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। दोस्तों, और ये है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि अरैल घाट से कुछ दूर चलने पर मौजूद है। यह मंदिर प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। तो आइए आपको इस मंदिर को मंदिर के दृश्य दिखाते हैं। ले चलते हैं प्रयागराज के नैनी शहर स्थित उमैक सिटी की तरफ। उमैक सिटी अपने खूबसूरती के वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और प्रयागराज के लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट करने और पिकनिक स्पॉट का यूज़ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ की ग्रीन वैली देखने में काफ़ी ही आकर्षक लगती है, जहाँ पर सभी लोग
पिक्स वगैरह और वीडियो वगैरह आकर बनाते हैं। ये है गंगा के किनारे स्थित एक और पार्क जो कि त्रिवेणी पुष्प के नाम से मशहूर है। यह ज़्यादा संचालन में नहीं है इसलिए इसकी हालत थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्थित ये मीनार रूपी बिल्डिंग देखने में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर से आप इसकी ऊंचाई तक जाके संगम के दृश्य का मज़ा ले सकते हैं। और यह है शास्त्री ब्रिज जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है। इस पुल का निर्माण कार्य सन 1980 में ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक कंपनी के द्वारा पूर्ण किया गया था और तब से यह पुल प्रयोग में है जो कि प्रयागराज को झूंसी शहर से जोड़ता है। अब हम आ चुके हैं श्री कोटेश्वर महादेव के मंदिर पर। यह मंदिर प्रयागराज के शिवकोटी इलाके में मौजूद है और यह मंदिर भी गंगा नदी के किनारे पर ही मौजूद है। क्योंकि पुराने समय में गंगा नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, इस वजह से ज़्यादातर मंदिर आपको गंगा किनारे ही स्थित मिलेंगे। यह मंदिर महादेव जी का मंदिर है और यह मंदिर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि यह मंदिर हरियाली से घिरा हुआ है और गंगा नदी किनारे पर स्थित है।
यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। इसके आगे अब हम चलते हैं आनंद भवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू का पुराना घर है। जवाहरलाल नेहरू के परिवार ने इसे म्यूजियम बनाने के लिए सरकार को दान में दे दिया था। इसके अंदर विज्ञान से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बिल्डिंग तारामंडल के नाम से मशहूर है, जिसके अंदर से आपको अंतरिक्ष का दृश्य देखने को मिलता है। ये हम पहुंच चुके हैं भरद्वाज पार्क, जो कि वैदिक काल में भरद्वाज आश्रम के नाम से जाना जाता था। और यह भरद्वाज आश्रम पूरे भारतवर्ष में ही काफ़ी मशहूर था, और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के आए हुए शिष्य वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करते थे। यह बिल्डिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी विज्ञान संकाय से संबंधित है। यहाँ पर विज्ञान के पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाता है। और इसी साइंस फैकल्टी के बगल में मुस्लिम हॉस्टल भी मौजूद है। आ चुके हैं प्रयागराज में स्थित सुमित्रानंदन पंत पार्क पर, जो कि हिंदी के एक महान लेखक थे। उनकी लेखिका हमें किताबों में पढ़ने को भी मिलती है, और इस पार्क को स्थानीय लोग हाथी पार्क के नाम से भी जानते हैं। और अब हम आ चुके हैं श्री अखिलेश्वर महादेव जी के मंदिर, जो कि प्रयागराज के तिलियरगंज क्षेत्र में मौजूद है।
और इस मंदिर की बनावट बेहद ही खूबसूरत है और इस मंदिर में पत्थरों के द्वारा शानदार कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और डिज़ाइनें बनाई गई हैं जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक प्रतीत होती हैं। और यह मंदिर भी महादेव शिव जी का ही मंदिर है। इस मंदिर में शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्र के पावन अवसर पर काफ़ी सारे प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं जिन्हें देखने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद होती है। इस मंदिर के अगल बगल की जगहों पर पुष्प और पौधों से सुसज्जित उद्यान बनाए गए हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शादाब खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एक्सप्लोर प्रयाग। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अपने प्रयागराज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग अभी आए हुए हैं अपने प्रयागराज में फाफा मऊ के पुराने पुल के पास, जो कि फाफा मऊ में स्थित है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो गया है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है और आज इस ब्रिज को लगभग 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी यह ब्रिज आज तक इलाहाबाद के लोगों के लिए और प्रयागराज के लोगों के लिए घूमने की एक अच्छी और शानदार जगह है। तो आइए आपको इस ब्रिज के बारे में बताते हुए चलना है। तो जैसा कि आप इस ब्रिज के ऊपर देख रहे हैं कि इस
पे ब्रिज का नाम लिखा हुआ है जो कि थोड़ा धुंधला गया है, लेकिन इस ब्रिज का नाम आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कर्जन ब्रिज, यानी कि इस ब्रिज को कर्जन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनवाया गया था। जब लॉर्ड कर्जन भारत पे और इधर यूपी के इस हिस्से पे कार्यरत थे, तो उन्होंने इस ब्रिज को अपने शासनकाल में बनवाया। पहुंच चुके हैं श्री आलोप शंकरी मंदिर, जिसे स्थानीय लोग श्री आलोपी देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर प्रयागराज के आलोपी बाग क्षेत्र में मौजूद है। क्षेत्र का नाम इस मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। यह क्षेत्र संगम और इलाहाबाद से झूसी की तरफ जाने वाली चुंगी के पास ही मौजूद है। मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। श्री आलोप शंकरी देवी जी की प्रतिष्ठापित इस शक्तिपीठ पर सती की उंगलियां गिरी थी और आलोप हो गई थी। सती की उंगलियां गिरने और आलोप हो जाने के कारण इस स्थान को आलोप शंकरी देवी का स्थान कहा जाता है। यहां एक छोटे जलकुंड वाली चतुर्भुज पीठिका के ऊपर छोटे काठ के झोले की भी पूजा की जाती है। इस स्थान पर किए गए दर्शन एवं व्रत के फल का लोप नहीं होता है, इसलिए भी इस स्थान को श्री आलोप शंकरी मंदिर कहा जाता है, यानी कि ना लोप होने वाला मंदिर।
आ चुके हैं राम जानकी मंदिर पर, जो कि अलोपी देवी मंदिर के दूसरी तरफ मौजूद है। और यह मंदिर भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है, इसकी बनावट देखने लायक है और यह काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। चल रहे हैं इस वक्त छलवा से होते हुए इलाहाबाद एयरपोर्ट की तरफ। प्रयागराज एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, यानी कि यहाँ से केवल घरेलू उड़ानें ही भरी जाती हैं, जो कि मुंबई, लखनऊ, दिल्ली तक ही सीमित हैं। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक नहीं हो पाया है। अब हम चल रहे हैं प्रयागराज स्थित फन गांव की तरफ, जो कि मुख्य प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज के इस इलाके को पीपल गांव के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसी स्थिति को ध्यान में रखकर लोगों की सुरक्षा के चलते इस पार्क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पार्क में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। लेकिन जब यह पार्क खुला होता है तो लोग यहाँ पर आकर स्विमिंग पूल, पानी के झूले और कई सारे अन्य चीज़ों का मजा